मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। थोड़ा लाउडली बोलिए। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गोन, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रोट, आई हैव रिटेन, रिटेन, क्योंकि परफेक्ट का है ना, yes, इसलिए क्या होगा, रिटेन होगा, थर्ड फॉर्म लगता है ना भाई। चलिए ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ओके, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, ओके, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, दैट्स गुड। चलो पास्ट पे आते हैं हम लोग, है कि नहीं। मैं जाता था, आई वेंट, मैं पढ़ता था, आई रीड, आई रीड, मैं लिखता था, I wrote, सेकेंड फॉर्म लगता है ना, आई रोट हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से अगर मैं बोला कि मैं नहीं लिखता था, I did not write, ओके, मैं नहीं मोबाइल चलाता था, I did not operate the मोबाइल, दैट्स गुड मिस्टर। चलिए हेड पे आते हैं ना, हेड किसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं जा चुका था, आई हैड गोन, मैं आ चुका था, आई हैड कम, मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड, मैं लिख चुका था, आई हैड रिटेन, आई हैड रिटेन, ओके गाइस। हैड बीन पे आता है, हैड बीन किसका हेल्प है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको वजह से मैं बोला कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, ओके, दैट्स गुड। जैसे मैं 2 घंटे से मोबाइल चला रहा था, आई हैड बीन ऑपरेटिंग द मोबाइल फॉर 2 आवर्स, ओके, दैट्स गुड मिस्टर। चलिए तो हम चलते हैं किस पे मेरे प्यारे, फ्यूचर पे। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट द मोबाइल, ओके। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी रीडिंग, आई विल बी रीडिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी रीडिंग, मैं उसे पीट रहा हूँ, आई विल बी बीटिंग हिम, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, ओके। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन, क्या हो जाएगा, आई विल हैव गॉन, वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा, ही विल हैव टॉट मी, जैसे तुम उसे पढ़ा चुके होगे, यू यू हैव यू